से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज अपनी एक क्लास होती है शाम को रात्रि में 10 बजे, तो सभी लोग इसी तरह से जो है जुड़ा करिएगा। आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो देखिए, सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, इस अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति है, वह शब्द शक्ति बताना है। बताइएगा क्या होगा सही राइट आंसर। देवव्रत जी, विजयकांत जी, पिंकी जी, मंजू जी और लवली जी, तनु जी, सभी लोग चयन करेंगे इस अवतरण में आपके लिए शब्द शक्ति बताना है, अविदा है, व्यंजना है, तात्पर्य है या फिर लक्षणा है, तो क्या होगा सही राइट आंसर। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आप सभी का यहाँ पर पुष्पा जी, विकल्प नंबर बी राइट आंसर, यानी कि व्यंजना जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, व्यंजना शब्द शक्ति है इसमें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 132 पूछा गया है कि बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से, प्रसाद की इस पंक्ति का अर्थ किस शब्द शक्ति से ग्रहण होगा, ये आपसे पूछा गया 132 में राइट आंसर, अविदा से, लक्षणा से, व्यंजना से या फिर इन सभी से। पीओजी क्या होगा सही राइट आंसर, सभी लोग चयन करेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर है लक्षणा से। लक्षणा आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 133 आपसे पूछा गया है, रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं कौन है, 133 का सही राइट आंसर बताइए। भट्ट लोलट है, श्री संकुक है, भट्ट नायक है या अभिनव गुप्त है, तो क्या है सही राइट आंसर। ज्योति जी, मिथिलेश जी, सभी लोग चयन करेंगे 133 का सही राइट आंसर। रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य आपसे पूछा गया है जो कि भट्ट नायक माने जाते हैं, विकल्प नंबर आपका जो सी है वह आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर 3 राइट आंसर है नेहा जी, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य भट्ट नायक माने जाते हैं, बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम उक्ति के लेखक कौन माने जाते हैं, 134 में आपके लिए चयन करना है, मम्मट है, विश्वनाथ है, पंडित राज जगन्नाथ है या फिर बामन है, 134 में चयन कीजिएगा रेणु जी, और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर क्या होगा। और बिल्कुल सही राइट आंसर वाक्यम रसात्मकम काव्यम उक्ति, तो ये सभी के लिए पता है विश्वनाथ जी की उक्ति मानी जाती है, विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, तन्मय जी, आस्था जी, जिन्होंने बी चयन किया है यहाँ पर उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपसे 135 पूछा गया है, क्या पूछा है कि उत्तरी नहाए जमन जल ज्यो शरीर समस्याम पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अलंकार आपसे पूछ लिया गया है, बताइएगा सुनैना जी, यहाँ पर उपमा है, प्रतीक है, विशेषोक्ति है, विभावना है, कौन सा अलंकार है इस पंक्ति में, 135वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और सही राइट आंसर आ रहा है कि इसमें प्रतीक, आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, प्रतीक जिन्होंने भी विकल्प नंबर बी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। सैनी जी, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतीक का आशय उल्टा अथवा विपरीत से प्रस्तुत पंक्तियों में उपमेय श्याम के शरीर की नीलिमा को उपमान बताया गया है, जहां गुण धर्म या क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है, और विशेषोक्ति अलंकार में कारण के अभाव में भी कार्य हो रहा होता है, ये विशेषोक्ति अलंकार में होता है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है देखते हैं, यहाँ पर दिया गया 136वां क्वेश्चन पूछा गया है, महत्वपूर्ण है कि सम सुबरन सुखमाकर सुखद नथुर नैसिये अंगे सखी कोमल कनक कठोर, इस छंद में प्रयुक्त अलंकार आपके लिए बताना है,
कौन सा अलंकार यहाँ पर होगा, चयन कीजिएगा निदर्शना, व्यतिरेक, समासोक्ति या फिर अर्थांतरन्यास। क्वेश्चन नंबर 136 आपसे पूछा गया है और क्या होगा 136 का सही आंसर, और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कि व्यतिरेक। आप सभी का विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा व्यतिरेक। आप सभी का सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। इस छंद में व्यतिरेक अलंकार है जहाँ उपमान की अपेक्षा अधिक गुण होने के कारण उपमेय का उत्कर्ष हो वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 137 आपसे पूछा गया है, आचार संकोक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप है, बताइएगा अभिव्यक्तिवाद, अनुमतिवादी या फिर उत्पत्तिवादी या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा मुनीश जी सही राइट आंसर, चार विकल्प दिए गए, आचार संकोक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर होगा आप सभी का विकल्प नंबर बी अनुमतिवादी। अनुमतिवादी आप सभी का सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया उनका सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है आपका 138वां क्वेश्चन पूछा गया है कि मैं नीर भरी यहाँ पर अगला है कि नीर भरे नित्य प्रति रहे तब ना प्यास बुझाई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अलंकार बताने आपके लिए अतिशयोक्ति है, विशेषोक्ति है, विभावना है या फिर उपमा है, 138 में आपके लिए चयन करना है, बताइए मोहित जी क्या होगा सही राइट आंसर। तो 138 में आपका विशेषोक्ति जिन्होंने भी, तनु जी बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, बी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है। विभावना में कारण न होने पर भी कार्य होता है, जबकि विशेषोक्ति अलंकार वहां होता है जहाँ कारण उपस्थित होने पर भी कार्य ना हो, तो वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। नाट्य शास्त्र के रचयिता आपसे पूछा गया है 139 में आपके लिए चयन करना है क्या होगा सही राइट आंसर। तन्मय जी आचार्य भरत मुनि है, आनंद वर्धन है, वामन है या फिर मम्मट है। नाट्य शास्त्र के रचयिता आपसे पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है, सभी का विकल्प नंबर एक राइट आंसर होगा आचार्य भरत मुनि, यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है आचार्य भरत मुनि, आप सभी का सही राइट आंसर होगा। नाट्य शास्त्र के रचयिता आपसे पूछा गया, बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 140 आपसे पूछा गया है, देखिएगा क्या दिया गया है, बनन में बागन में बगरो बसंत है, पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शक्ति से ग्रहण किया जा सकेगा। 140 में आपके लिए चयन करना है अभिधा से, लक्षणा से, व्यंजना से या इन सभी से। 140 में पार्वती जी, पूजा जी क्या होगा सही राइट आंसर, बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर है लक्षणा से, विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही राइट आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 आपसे पूछा गया है, देखिए 141वां क्वेश्चन है, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी कहने लगे छठे क्षमा से दान। ये उपरोक्त दोहे में रस आपके लिए बताना है, कौन सा रस है बताइएगा, चयन कीजिएगा, श्रृंगार है, वीर है, करुण है, हास्य रस है। 141 का सही राइट आंसर आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। राखी जी और अनीता जी, आस्था जी, आप सभी का राइट आंसर होगा हास्य रस है, यहाँ पर कौन सा रस है, हास्य रस आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी चयन किया है वहां पर आपका सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 142 पूछा गया, आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है, आपके लिए 142 में चयन करना है, बताइएगा शांत, करुण, भयानक या फिर अद्भुत। 142 का सही राइट आंसर सभी लोग चयन करेंगे, क्या होगा सही राइट आंसर, आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है, और आप सभी का सही राइट आंसर है, लवली जी बिल्कुल सही, शांत आपका सही राइट आंसर है,
शांतरस जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है। आचार्य भरत ने शांतरस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है। जहां तक नाट्य प्रयोज रसों का प्रश्न है, वे रस है कौन कौन से, करुण है, सिंगार है, रौद्र है, वीर है, भयानक है, हास्य है, विवश है और अद्भुत, ये रस माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 143 यहाँ पर पूछा गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मनु उमगी अंग अंग छवि छलके तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है। 143 में आपके लिए शब्द शक्ति का चयन करना है, अविदा है, लक्षणा है, व्यंजना है या इनमें से कोई नहीं है, बताइए प्रमोद जी क्या होगा 143 का सही राइट आंसर। पुष्पा भारती जी, हाँ लवली जी, और आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है यानी कि व्यंजना, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका, व्यंजना यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। शब्द शक्ति पूछा है तो व्यंजना सी वाला विकल्प जो है मनहु उमगी अंग अंग छवि छलके यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार के कारण व्यंजना सौंदर्य है, अतः इसे अलंकार व्यंजना भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण पूछा गया है रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन माने जाते हैं, ये तो सभी से बन जाएगा, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर, भरत मुनि को, कुंतक को, वामन या फिर क्षेमेंद्र को। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य किसे माना जाता है, तो आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 144 में क्या होगा 144 का सही राइट आंसर, वामन। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो सी है वह सही राइट आंसर होगा, वामन आप सभी का सही राइट आंसर होगा, ये तो सभी के लिए पता है रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन है। संस्कृत साहित्य में रीति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आचार्य वामन ने ही किया है और इन्होंने रीति को परिभाषित करते हुए इन्होंने कहा है विशिष्ट पद रचना रीति, अर्थात विशेष प्रकार की पद रचना को ही रीति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 45 पूछा गया है, सॉरी 144वां क्वेश्चन था यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर 45वां क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा क्या पूछा गया है 145 मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूं और मात मुझे सो नव मित्र साहे देखूं उसे मैं नित बार बार मानो मिला मित्र मुझे पुराना। उपर्युक्त काव्यांश में प्रयुक्त काव्य गुण का नाम बताना है, क्या होगा सही राइट आंसर, बताइए 145वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है पूजा जी और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, इसमें काव्य गुण बताना है कौन सा काव्य गुण है, तो माधुर्य आप सभी का सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है, माधुर्य आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया। माधुर्य का अर्थ होता है मधुरता या फिर मिठास, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 146 पूछा गया है न कांतम अपि निर्भूषम विभाति बनिता मुखम, इस उक्ति के लेखक कौन माने जाते हैं, 146 में आपके लिए चयन करना है क्या होगा सही राइट आंसर, भामय है, दंडी है, उद्भट्ट है या फिर रुद्रट है, तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 146 पूछा गया है, लाइक अवश्य करते जाइएगा सभी लोग जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, और इस उक्ति के लेखक भामय जी माने जाते हैं। विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, भामय बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 147 है संचारी भावों की संख्या कितनी है, ये आपके लिए बताना है 147 में क्या होगा सही राइट आंसर, 10, 9, 33 या फिर 25। 147 का सभी लोग सही राइट आंसर चयन कीजिएगा, संचारी भावों की संख्या बताना है और क्या होगा सही राइट आंसर आप सभी का चयन कीजिएगा, तो संचारी भावों की संख्या की बात करें तो 33 मानी जाती है। विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर होगा, आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में संचारी भावों की संख्या 33 मानी है, बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 48वां क्वेश्चन है, वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है, बताइएगा क्या होगा सही राइट आंसर, हाँ संचारी भावों की संख्या 33 मानी जाती है,
छल नामक 34वां संचारी भाव जो माना है वह देव कवि ने माना है आचार्य देव ने। और वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण होता है ज्योति जी? बिल्कुल क्या होगा राइट आंसर? ओज, प्रसाद, माधुरी या फिर ये सभी? तो विकल्प नंबर एक आप सभी का सही राइट आंसर होगा। ओज जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। ओज आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है। साधना जी नहीं, यहाँ पर जो है बारिश नहीं हो रही है। क्वेश्चन नंबर 149 में आपके लिए चयन करना है क्या होगा सही राइट आंसर। जहां शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराए जो उसके प्रत्यक्ष अर्थों की अपेक्षा अधिक चमत्कार पूर्ण हो, काव्य शास्त्र के अनुसार यह किसका लक्षण है? 149 में आपके लिए बताना है रस का या फिर अलंकार का, ध्वनि का या फिर इनमें से कोई का नहीं, चयन करना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है संजय पाठक जी, क्या होगा सही राइट आंसर? 149वां क्वेश्चन है और आप सभी का सही राइट आंसर यहाँ पर ध्वनि राइट आंसरों का विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा ध्वनि। आप सभी का सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 150 आपसे पूछा गया है, को घटी ए ब्रस भानुजा बे हल्दर के वीर में कौन सी व्यंजना है? व्यंजना आपसे पूछा गया शाब्दी व्यंजना है, आर्थी व्यंजना है, रस व्यंजना है या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 150 आपसे पूछा गया है और 150 का सही राइट आंसर क्या होगा चयन कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर आ रहा है आरती व्यंजना, विकल्प नंबर बी होगा सही राइट आंसर 150 में। बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, इस पंक्ति में आरती व्यंजना की निष्पत्ति होती है, बिल्कुल सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया 151 है कि ध्वनि संप्रदाय के व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है? ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है? आनंद वर्धन को, आचार्य कुंतक को, अभिनय गुप्त को या फिर इनमें से कोई नहीं। 151वां क्वेश्चन है और आप सभी का सही राइट आंसर है 151 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा सही राइट आंसर? सी होगा सही राइट आंसर, यानी कि अभिनव गुप्त को। अभिनव गुप्त जिन्होंने भी चयन किया विकल्प नंबर सी उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ये बताएंगे क्योंकि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंद वर्धन मानी जाती है, लेकिन ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित पूछा है, व्यवस्थित करने का श्रेय जो है अभिनव गुप्त को जाता है और आचार्य कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर आपसे प्रवर्तक नहीं पूछा था, आपसे पूछा था कि ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है, तो वह अभिनव गुप्त को। अगर ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक पूछा जाता तो आचार्य आनंद वर्धन आपका सही राइट आंसर होता। संकलन त्रय में कौन नहीं है? नहीं बताना है आपके लिए, स्थान नहीं है, काल, वस्तु या फिर कथानक, बताइए। 152 का आपके लिए सही राइट आंसर चयन करना है, 152 में आपका क्या होगा सही राइट आंसर चयन कीजिएगा मनीषा जी, आलोक जी, सभी लोग। संकलन त्रय में कौन नहीं पूछा है आपसे? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है कथानक, विकल्प नंबर डी आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है। कथानक जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया विकल्प नंबर चार उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है। कथानक संकलन त्रय के अंतर्गत नहीं आता, जबकि संकलन त्रय के अंतर्गत यहाँ पर संकलन त्रय के अंतर्गत वस्तु, कार्य, स्थान, काल यानी कि समय ये आती हैं। तो बिल्कुल सही राइट आंसर आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प जो है सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 153 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता है? 153 का सही राइट आंसर सभी लोग चयन करेंगे, बताइए कौन सा अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता है? कार्य, पताका, प्रकरी या फिर विषादांत? सुहानी जी, तो राइट आंसर है 153 में पताका, आप सभी का सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है
उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है। नाटक में फल रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए मिलकर व्यापार करने वाली अनेक अवंतर घटनाएं व्यवस्थित प्रकृतियां कहलाती हैं। इनकी संख्या 5 होती है, बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य। विषादांत अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 154वां क्वेश्चन है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, ये कथन किसका माना जाता है, भामय, भरत, मम्मट या फिर जगन्नाथ, बताइए। क्वेश्चन नंबर 154 आपसे पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और क्या होगा सही राइट आंसर। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है भरत, आपका यहाँ पर जो बी है भाई, आप सभी का सही राइट आंसर है। ये कथन पूछा है जो कि भरत का माना जाता है, बिल्कुल सही राइट आंसर होगा यहाँ पर, बिल्कुल सही। ये जो है आपका गलत हो गया है यहाँ पर कि कौन जो है निम्नलिखित में से अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता, तो विषादांत होगा सही राइट आंसर, बिल्कुल सही राइट आंसर है। इनकी संख्या बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य, ये आते हैं अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत, नहीं पूछा था तो विषादांत आपका डी वाला विकल्प होगा सही राइट आंसर, बिल्कुल सही, डी वाला विकल्प यहाँ पर गलती हो गई, विकल्प नंबर बी जो है आपका बता दिया, विषादांत जो है अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता है, बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, ये कथन भरत का माना जाता है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 155वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन नाट्य प्रवृत्तियों के अंतर्गत नहीं है, नाट्य प्रवृत्तियों के अंतर्गत कौन नहीं है, बताइए, चयन कीजिएगा। चार विकल्प आपके दिए गए हैं मंजू जी, शिल्पा जी, बिल्कुल अविनाश जी। क्वेश्चन नंबर 155 है, कौन नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं है, तो सही राइट आंसर 155 में जिन्होंने भी चयन किया विकल्प नंबर यहाँ पर क्या एक, उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है सात्विक, आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया। देखिए कौशकी, आरभटी, भारती, सातवती, यही चार नाट्य वृत्तियां हैं जिस पर नाटकी प्रसिद्धि है, जबकि सात्विक, सातवती, देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, सातवती है लेकिन सात्विक जो है ये नहीं है, बिल्कुल सही राइट आंसर है। सात्विक एक अनुभव होता है, सात्विक अनुभव होता है, इनकी संख्या 8 मानी जाती है सात्विक अनुभव की, स्वेद, कंप, रोमांच, स्तंभ, स्वरभंग, अश्रु, विवर्णता और पिल्लय, ये मानी जाते हैं सात्विक अनुभव की संख्या 8 मानी जाती है अगर पूछा जाए तो। क्वेश्चन नंबर आपका 156 पूछा गया, सिंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं, अनुकूल हैं, दक्षिण हैं, सठ हैं, भ्रष्ट हैं, 156 का सही राइट आंसर आपके लिए चयन करना है, क्या होगा अनिल जी सही राइट आंसर, साधना जी और आप सभी का 156 में आप सभी का सही आंसर है, सिंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं, तो आप सभी का सही आंसर है दक्षिण, दक्षिण आप सभी का सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने चयन किया। रस, सिंगार रस की दृष्टि से नायक चार प्रकार के होते हैं जिसमें दक्षिण, अनुकूल, सट और ध्रष्ट ये माने जाते हैं, इसमें श्री कृष्ण जो है दक्षिण प्रकार के नायक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 157 आपसे क्या पूछा गया है, देखिएगा ये रहा क्वेश्चन नंबर 157, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थोपक्षेपक नहीं है, अर्थोपक्षेपक नहीं बताना है माया कमल जी, बताइएगा क्या होगा सही राइट आंसर, एक बार लाइक अवश्य कर लेंगे जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, एक बार लाइक अवश्य कर लें, और प्रवेशक, चोलिका या फिर नियताप्ती या फिर विष्कंभक, बताइए अर्थोपक्षेपक नहीं है, कौन सा अर्थोपक्षेपक नहीं है, तो सी वाला विकल्प आपका सही राइट आंसर होगा, नियताप्ती आप सभी का सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया उनका सही राइट आंसर है। अर्थोपक्षेपक की संख्या 5 मानी जाती है, प्रवेशक, चोलिका, विष्कंभक, अंकास और अंकावतार, ये मानी जाती है जो है इनकी संख्या अर्थोपक्षेपक की।
बिल्कुल सही राइट आंसर, आप सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया 158वां क्वेश्चन है, विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अनुभव कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं, विभाव कहते हैं या स्थायी भाव कहते हैं। 158वां क्वेश्चन है और आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा। और आप सभी का सही राइट आंसर है राजेश्वरी जी, विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। विकल्प नंबर आपका जो सी है वह सही राइट आंसर होगा, सी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सी वाला विकल्प सही राइट आंसर चयन किया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 159 आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से धीरोदत्त नायक कौन है, बताइए धीरोदत्त नायक कौन है, ये आपसे पूछा गया है। युधिष्ठिर हैं, दुष्यंत हैं, माधव हैं, भीमसेन हैं, ये चार विकल्प दिए गए हैं। 59 में आपके लिए यहाँ पर चयन करना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही राइट आंसर है कि धीरोदत्त नायक माने जाते हैं भीमसेन, विकल्प नंबर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का सही राइट आंसर यहाँ पर होगा। बहुत बढ़िया, नायक चार प्रकार की होती हैं, ये भी आपको याद रखना है, धीरोदत्त और धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोदत्त। तो ये नायक जो है अगर पूछा जाए कितने प्रकार के होते हैं तो ये चार प्रकार के नायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 आपसे पूछा गया है, कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, किसने कहा, 160 का सही राइट आंसर बताना है, बताइए वर्ड्सवर्थ ने, टेनिसन ने, शेली ने या फिर मैथ्यू अर्नोल्ड ने। 160 का सही राइट आंसर सभी लोग चयन करेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और हम आप सभी का सही राइट आंसर उपासना जी, कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, ये किसने कहा है, और मैथ्यू अर्नोल्ड जिन्होंने विकल्प नंबर डी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, मैथ्यू अर्नोल्ड आप सभी का सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 161 आपसे पूछा गया है, काव्य शोभायकरण धर्मान अलंकारण प्रक्षते, ये किसने कहा है, 161 का सही राइट आंसर आपके लिए चयन करना है, विश्वनाथ ने, भरत ने, जगन्नाथ ने या फिर दंडी ने। 161 में आप सभी लोग चयन कीजिएगा सही राइट आंसर, आलोक जी और सुमन जी आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है, ये किसने कहा है, ये जो परिभाषा दी गई है ये मानी जाती है किनकी, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आप सभी का विकल्प नंबर डी यानी कि दंडी, दंडी आप सभी का सही राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, काव्य शोभायकरण धर्मान अलंकारण प्रक्षते उक्ति महाकवि दंडी की मानी जाती है, बिल्कुल सही राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, सूरती से आशय आपके लिए बताना है, सूरती, सूरती से आशय बताना है, उन्माद है, विरक्ति है, ध्यान है या आनंद का अनुभव, चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सूरती से आशय आपके लिए चयन करना है क्या होगा, 162वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और विकल्प नंबर जिन्होंने चयन किया है डी उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, आनंद का अनुभव, आनंद का अनुभव आप सभी का विकल्प नंबर चार जो है सही राइट आंसर होगा, सूरती का आशय आनंद का अनुभव, सूरती स्मृति और निरति के बीच का पुल है और सूरति का आधार मन है और निरति स्वयं अपना आधार है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 163वां क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का तत्व है अभिनेता, कथा वस्तु, रस या फिर उपर्युक्त सभी, क्वेश्चन महत्वपूर्ण 163वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या होगा 163 में सही राइट आंसर। नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाट्य का तत्व आपके लिए बताना है, उपर्युक्त सभी बहुत सारे लोग बता रहे हैं, बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया लवली जी, विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर चार जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर है, नाट्य शास्त्र की दृष्टि से अभिनेता, कथा वस्तु, रस, अभिनय सभी नाटक के तत्व हैं। नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि है, नाट्य शास्त्र में लोक चेतना को नाटक के लेखन और मंचन की मूल प्रेरणा माना गया है।
क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है देखिएगा 164वां क्वेश्चन है। इनमें से किस विद्वान का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है? संकोक, भट्ट नायक, भट्ट लोल्लट या फिर अभिनवगुप्त? 164 में बताइए क्या है सही राइट आंसर। चयन करना है राजकुमारी जी, इनमें से किस विद्वान का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है? वह विद्वान आपके लिए चयन करना है, कौन से वह विद्वान है? और बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा, भट्ट लोल्लट। भट्ट लोल्लट आप सभी का सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही। तन्मय जी नहीं जो है दशहरा देखने नहीं गए हैं, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर सी आप सभी का सही राइट आंसर होगा, भट्ट लोल्लट। जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर, इनका कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। ये भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता माने जाते हैं। इनका दार्शनिक मत माना जाता है मीमांसा दर्शन, और इनका सिद्धांत माना जाता है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। क्वेश्चन नंबर 165 आपसे पूछा गया है कि इनमें से किन के अनुसार 73 अलंकार है? 73 अलंकार किन के हैं? रुद्रट, दंडी, भामय या विश्वनाथ? 165 में आपके लिए चयन करना है क्या होगा सही राइट आंसर, क्या होगा सही राइट आंसर। सभी लोग चयन कीजिएगा, चार विकल्प दिएगा, इनमें से किन के अनुसार 73 अलंकार है। और सभी लोग बता रहे हैं कि रुद्रट विकल्प नंबर एक आप सभी का दिनेश जी जो है सही राइट आंसर होगा। रुद्रट जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर यहाँ पर रुद्रट के अनुसार 73 अलंकार हैं, जबकि दंडी के अनुसार 72 और भामय ने 3 अलंकार माने हैं। दंडी ने पूछा होता तो 72 और भामय ने 3 अलंकार माने हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला यहाँ पर क्या पूछा गया, 166वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखिएगा साधारणीकरण की सही व्याख्या आपके लिए बताना है, कौन सा विकल्प आपका सही राइट आंसर होगा। ये आपके विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का स्वागत जी। साधारणीकरण की सही व्याख्या बताना है इन चार विकल्पों में से, तो देखिए इनमें से आपका डी वाला विकल्प सही राइट आंसर है। साधारणीकरण वह व्यापार है जिसके द्वारा काव्य सृष्टि में कभी निर्मित पात्र व्यक्ति विशेष ना बनकर सामान्य बन जाते हैं। ये वाला विकल्प आपका सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। साधारणीकरण की सही व्याख्या विकल्प नंबर डी में है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही राइट आंसर चयन किया। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? 167 में आपके लिए चयन करना है, श्रृंगार, वीर, करुण, अद्भुत। 167 में आपके लिए चयन करना है क्या होगा सही राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है, और आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर आ रहा है अद्भुत। अद्भुत रस आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर डी। जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है विकल्प नंबर चार आप सभी का सही राइट आंसर है, भारतीय वृत्ति का संबंध अद्भुत रस से है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें खालिस्तान कहा जाता है, कायिक, मानसिक, आहार्य या सात्विक? बताइए क्या होगा सही राइट आंसर, चयन कीजिएगा। चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है शिल्पा जी, पुनीता जी, इनको आहार्य कहा जाता है, विकल्प नंबर सी। जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, आहार्य आप सभी का सही राइट आंसर है। अपस्मार क्या है ये आपके लिए चयन करना है, 169 में। एक प्रकार का उपमान जिसमें उपमेय की हेयता सिद्ध की जाती है, संचारी भाव का एक प्रकार है, या आधुनिक रसाचार्यों द्वारा खोजा गया एक रस है, या एक प्रकार का काव्य दोष है? अपस्मार क्या है बताइएगा, चयन करना है। चार विकल्प दिए गए, 169वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और अनिल जी बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, ये संचारी भाव का एक प्रकार है, विकल्प नंबर बी। जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर दो आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। संचारी भावों की संख्या 33 मानी जाती है, और बिंब का काम है, बिंब का क्या काम है ये आपके लिए चयन करना है, काव्य में सौंदर्य लाना, काव्य को सजीव बनाना, काव्य को छंद मुक्त करना,
या फिर उपर्युक्त सभी 170 में आपके लिए सही राइट आंसर चयन करना है। बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। बिंब का काम है, बिंब का क्या काम है ये पूछा गया है आपसे, और आप सभी का सही राइट आंसर है क्या, राइट आंसर विकल्प नंबर बी आप सभी का सही आंसर है। काव्य को सजीव बनाना, काव्य को सजीव बनाना ये बिंब का काम होता है, बिल्कुल सही। बी वाला विकल्प जो है भाई आप सभी का सही राइट आंसर होगा। सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 171 आपसे पूछा गया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। इनमें से कौन सा सही अनुक्रम है ये आपके लिए 171 में चयन करना है। चयन कीजिएगा क्या होगा सही राइट आंसर। बताइए सही अनुक्रम आपके लिए चयन करना है। अविनाश जी क्या होगा सही राइट आंसर। मुकुंद जी चयन कीजिएगा इनमें से सही अनुक्रम कौन सा है। तो आप सभी का सही राइट आंसर विकल्प नंबर एक काव्यानुशासन, साहित्य दर्पण, रस मंजरी और रस गंगाधर। विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने चयन किया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया 172वां क्वेश्चन है, 10 रूपकम के लेखक कौन माने जाते हैं। 172 का सही राइट आंसर चयन करना है। धनिक है, धनंजय है, मम्मट है, विश्वनाथ है। बताइए रेणु मलिक जी क्या होगा सही राइट आंसर। और 10 रूपकम के लेखक आपसे पूछा गया है तो बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा। धनंजय आप सभी का सही राइट आंसर है, बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। 10 रूपकम के लेखक धनंजय माने जाते हैं। धनंजय रचित 10 रूपक की टीका अवलोक के रचयिता धनिक माने जाते हैं। बिल्कुल सही, अवलोक के रचयिता अगर पूछा जाए तो धनिक माने जाते हैं। मम्मट ने काव्य प्रकाश, विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण नामक ग्रंथों की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 173 आपसे पूछा गया, देखिएगा रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की है। 173 में आपके लिए चयन करना है सही राइट आंसर। भट्ट लोलट ने, भट्ट नायक ने, श्री संकुक ने या फिर अभिनव गुप्त ने। और 173 का सही राइट आंसर आपका सही राइट आंसर क्या होगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और तन्मय जी, प्रमोद जी बिल्कुल सही राइट आंसर आप सभी का यहाँ पर। विकल्प नंबर जिन्होंने भी बी चयन किया भट्ट नायक उनका सही राइट आंसर होगा। रस निष्पत्ति की वेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना आचार्य भट्ट नायक ने की है, जबकि रस निष्पत्ति की वेचना में आचार्य भट्ट लोलट ने उत्पत्ति की और आचार्य संकुक ने अनुमति की और अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्ति की जो है कल्पना की है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया 174वां क्वेश्चन दिया गया है कि तद 200 शब्दार्थौ संगुणा वन अलंकार कृति पुनः क्यापि, किसका काव्य लक्षण है ये आपके लिए बताना है। बताइए जयदेव, दंडी, मम्मट, हेमचंद्र, ये चार विकल्प आपके दिए गए हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 174वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर जोशी है मम्मट, वह आप सभी का सही राइट आंसर यहाँ पर होगा। मम्मट आप सभी का सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, भट्ट नायक का भुक्तिवाद जो है किस दर्शन पर आधारित है। वह दर्शन आपके लिए चयन करना है, मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन, शैव दर्शन या सांख्य दर्शन। 175 का सही राइट आंसर क्या होगा। और साधना जी आप सभी का सही राइट आंसर है। सुनैना जी, भट्ट नायक का भुक्तिवाद बताने किस दर्शन पर आधारित है, तो सांख्य दर्शन विकल्प नंबर चार जिन्होंने भी चयन किया यहाँ पर उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। भट्ट नायक का भुक्तिवाद सांख्य दर्शन पर आधारित है, बिल्कुल सही। भट्ट लोलट जो है इनका उत्पत्तिवाद सिद्धांत जो है ये मीमांसा दर्शन पर आधारित है। श्री संकुक का अनुमितिवाद ये न्याय दर्शन पर आधारित है। भट्ट नायक का भुक्तिवाद ये सांख्य दर्शन और अभिनव गुप्त का व्यक्तिवाद ये जो है शैव दर्शन पर आधारित माना जाता है।
तो बिल्कुल सही, इस प्रकार जो है आज के वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज अपनी एक क्लास होती है रात्रि में 10 बजे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर लेंगे सभी लोग, रनु जी, विवेक जी, लवली जी, संजू जी और पूर्णिमा जी, मुनेश जी, मनीषा जी, अमित कुमार जी, पुनीता जी और सुमन जी, पीहू जी, आलोक जी और साधना जी, सागर जी, कल्पना जी, अनिल जी, आस्था जी, राखी जी, बीनू जी, आलोक जी, रीनू जी और प्रमोद जी, रमा जी, उपासना जी, राजेश्वरी जी, शिल्पा जी, राजू जी, आरती जी, मनीष पांडे जी, मीनू जी और ज्योति जी, प्रियंका जी, तन्मय जी, संगीता जी, अविनाश जी और सुनैना जी, प्रीति जी, पिंकी जी, सरिता, सरोज जी, अनीता जी, मोहित जी, राजू जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका मिश्रा जी, आरती पटेल जी, प्रीति पुरोहित जी, सागर जी और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। राजेश्वरी, सनी जी, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। और सिन्नी जी, अमित कुमार जी, पूजा जी, लवली जी, लवकुश प्रसाद जी, सभी लोग शेयर लाइक अवश्य करके जाइएगा। पूजा पांडे जी, बहुत ही कम लोग जो हैं वीडियो को लाइक करते हैं। संजय पाठक जी, साधना शुक्ला जी, अनिल जी, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। और बिल्कुल कल्पना जी, अविनाश दुबे जी, बिल्कुल आपको भी जो है दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी के लिए। और अमित कुमार जी, रीमा जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही, सभी के लिए शुभ रात्रि और सभी के लिए जय हिंद।